क्या वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें किसानों को रीच आउट करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आप सोचिए 3-4 डिग्री तापमान है और ऐसे में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी रात गुजारने को मजबूर है। किसको कितनी बारी मिली, कितना समय मिला, ठीक है, बस हो सकता है आपको कम बारी मिली हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आएंगे जो 15-20 मिनट बोलेंगे। सेक्शन कमी कहां पर रह गई, आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो किसान अब इतनी ठंड में भी अड़े हुए हैं। हमारे देश का मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, ऐसी एक छवि बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से डिबेट में भी जब बीजेपी के नेता मौजूद रहते हैं तब भी तीखे सवाल के जवाब विपक्ष से ही पूछे जाते हैं। पर आज हम कुछ ऐसे डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिसमें एंकर ने बीजेपी नेताओं को अपने तीखे सवालों में घेर लिया हो। आज तक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के मुद्दे पर अंजना ने बात की। इस बातचीत में शिवराज अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाने लगे। इस बीच अंजना ने किसानों के फेवर करते हुए एक एक कर तीखे सवालों पर जवाब मांगने शुरू किए, जिससे वह परेशान हो गए। एक तस्वीर हम आपके दिखा रहे हैं कि आप भी झुककर दंडवत करते हुए एक तरह से किसानों के सामने। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हम लोग चाहते हैं कि किसानों से बात करें। क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें किसानों को रीच आउट करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आप सोचिए 3-4 डिग्री तापमान है और ऐसे में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी रात गुजारने को मजबूर है। देखिए, किसान हमारे लिए भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है। अन्नदाता किसान की हर तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है। इसलिए किसानों से लगातार संवाद के कारण भी, लगातार मिलने वाले लाभ के कारण भी कोई भ्रम की स्थिति आज नहीं बची है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, कौन भ्रमित कर रहा है, और अगर वो भ्रमित कर रहे हैं तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ अमीश देवगन की डिबेट में भी देखने को मिला। जब गौरव भाटिया कांग्रेस पर गलत टिप्पणी कर रहे थे, तभी कांग्रेस नेता ने बीच बोलकर उन्हें चिढ़ाना शुरू किया, जिससे गौरव भाटिया परेशान हो गए और अमीश को बोलना शुरू किया, जिसका अमीश ने फिर करारा जवाब भी दिया। और आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप इस तरह चर्चा कराएंगे, दर्शकों के सम्मान में मैं बैठा रहूंगा। अब अखिलेश जी से पूरी चर्चा कराइएगा। एक सेकंड, गौरव जी, अखिलेश जी अपनी बात रखें, उसके बाद आप ही बोलेंगे। बोले उनसे करवाइए पूरी चर्चा। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको भी आपकी बात रखने का मौका मिलेगा। मुझे अखिलेश जी को मैंने बोला 30 सेकंड वो बोल रहे, फिर आप बोलिए। गौरव जी 30 सेकंड रुकिए, रिवाइंड करके देखिएगा किसको कितनी बारी मिली, कितना समय मिला, ठीक है, बस हो सकता है आपको कम बारी मिली हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आएंगे जो 15-20 मिनट बोलेंगे। अपना समय गौरव भाटिया को देता हूँ। सरकार में ये है, ये कहे ज्यादा जरूरत आज इनको बोलने की है, ये बता दें किसानों की मांग मानने से क्या ऐतराज है, क्या नुकसान है। ठीक है, गौरव भाटिया, मैं गौरव भाटिया जी को देता हूँ। बोले गौरव भाटिया, नहीं आप अकेले पॉलिसी चीज लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के मुद्दे पर आज तक की डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश पर सवाल किए, जिसके बाद वह इसे गोलमोल घुमाते दिखे, जिस पर एंकर ने बीजेपी नेता को अपने तीखे सवालों से घेर लिया। मंडिया की यथास्थिति बनी रहेगी, जमीन चली जाएगी किसानों की, तो मैं कहता हूँ कानून पढ़िए क्या कहता है सेक्शन 8 सेक्शन 15। अरे वो पढ़कर ही तो अपना विरोध जता रहे हैं गौरव भाटिया, सवाल तो यही है ना। अब आप लोगों की ओर से कई बार उन पर टिप्पणी की जाती है कि वामपंथी दल उसमें घुस आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है किसानों को लेकर, तमाम नेता अच्छा। अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इससे सवाल तो खड़े होंगे ना कि किसानों को आप लोग नजर से देखते हैं या वास्तव में समाधान की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है। सेक्शन 8 किसान की जमीन नहीं ली जा सकती, किसी कीमत पे नहीं ली जा सकती, ये प्रोटेक्शन है किसान को। सेक्शन 15 कहाँ पर रह गई, आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो किसान अब इतनी ठंड में भी अड़े हुए हैं। आपको पता है ना कि उत्तर कई इलाकों में ऊपरी बर्फबारी हुई है, जिसकी ठंडी हवाएं सब पूरे दिल्ली NCR को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है, उसने किसान बीमार भी हो रहे हैं। इतना भी आसान है सब कुछ जरूर मिलेगा, तो फिर समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारी मीडिया ने अब बीजेपी के नेताओं से सवाल करना तो शुरू किया है, लेकिन अभी भी काफी कम मुद्दों पर। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया ऐसे ही नेताओं को आईना दिखाता रहेगा और तीखे सवालों में घेरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।